दोस्तों टेक दुनिया के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करता हूँ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के कुछ लेटेस्ट और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। तो अगर आप भी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के पल पल के खबरों से रहना चाहते हो अपडेट, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं लाता हूं आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही डिटेल में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहल, आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन। तो चलिए टेक दुनिया में। दोस्तों आज के लिए स्टार्ट करते हैं इंडिया के एक बहुत ही अच्छे टेक न्यूज से। भारत भी बाकी दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ टेक्नोलॉजी के फील्ड में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और इसकी स्टार्ट हुई है बेंगलुरु एयरपोर्ट से। 2019 के बाद अगर आपको बेंगलुरु एयरपोर्ट में किसी भी फ्लाइट को कैच करने जाना हो, तो आपको अब कोई भी फिजिकल आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ कैरी नहीं करना होगा। फिजिकल आइडेंटिटी कार्ड से मेरा मतलब है आपका बोर्डिंग पास हो, या फिर आपका पासपोर्ट हो, आपका टिकट हो, या फिर कोई भी ऐसी आइडेंटिटी कार्ड जो कि आपको अभी तक कैरी करनी पड़ती है फ्लाइट को कैच करने के लिए। तो अब आपको 2019 के बाद से बेंगलुरु एयरपोर्ट पे ये सारे फिजिकल आइडेंटिटी कार्ड कैरी नहीं करने होंगे। कस्टमर डिटेल्स या फिर कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए आपके फेस का यूज किया जाएगा। मतलब कस्टमर वेरिफिकेशन में आपके आइडेंटिटी कार्ड जो कि पहले यूज होते थे उसके जगह अब आपके चेहरे का यूज किया जाएगा। और अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इन आइडेंटिटी कार्ड्स को हमेशा अपने साथ कैरी करना एक बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। और अगर गलती से ये कोई भी आइडेंटिटी कार्ड अगर मिसप्लेस होते हैं या फिर खो जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। तो अगला अपडेट एक ऐसे ब्राउजर से है जिसमें कि आपकी सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, मतलब आप जो भी इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो और जो आपका लोकेशन इन्फॉर्मेशन है, वो बिल्कुल ही प्राइवेट होता है। दोस्तों इस ब्राउजर का नाम है TOR। टॉर ब्राउजर अब आपको गूगल प्ले पे भी अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और इस ब्राउजर में जो मेन बेसिक फीचर है इसकी, जो कि इसका हाईलाइट भी है, वो है कि ये बाय डिफॉल्ट आपके लोकेशन इन्फॉर्मेशन और आपकी जो ब्राउजिंग डेटाज हैं उनको प्राइवेट रखता है। मतलब आप नेट पे क्या सर्च कर रहे हो, आप कौन सी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, ये आपके अलावा और किसी भी दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को, यहाँ तक कि टॉर के अपने सर्वर को भी ये पता नहीं होता। ये सिर्फ आपको पता है कि आप उस ब्राउजर पे क्या यूज कर रहे हो, इंटरनेट पे आप क्या सर्च कर रहे हो। और ये आज के यूथ के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ब्राउजिंग हिस्ट्री प्राइवेट होना ये आपको अच्छे से पता है। दोस्तों अभी जस्ट मैंने आपसे बात की है आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री या फिर आपके लोकेशन इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखने से रिलेटेड। अब बात करते हैं कुछ वैसे एप्लीकेशन की जो कि आपके लोकेशन इन्फॉर्मेशन को दूसरे थर्ड पार्टी किसी भी एप्लीकेशन को सेल कर देते हैं। दोस्तों एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से भी रिसेंटली 24 ऐसे एप्लीकेशन को रिमूव किया है जिनके खिलाफ कंप्लेंट आए थे कि वो एप्लीकेशन अपने यूजर डेटास को, उनके लोकेशन इन्फॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट को सेल कर रहे हैं कुछ रुपए के कारण। दोस्तों वैसे सुनने में ये बहुत ही कैजुअल सी बात लगती है कि किसी का लोकेशन इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर किया जा रहा है, लेकिन आप सोच के देखो कि आप अभी अपने घर से कितने बजे निकलते हो, आप कहीं भी जाते हो, आप वहां पे कितने देर रहते हो, वहां से फिर आप कहां अगले जगह जाते हो, आपका सारा रूटीन आपके अलावा किसी वैसे आदमी को पता है जो कि शायद किसी दूसरे देश में बैठा है। तो ये आपके सिक्रेसी या फिर आपके सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है, आप ये सोचो। और इसी कारण से मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हो, कम से कम वो आपसे कौन सी परमिशन ग्रांट कर रहा है, आप इसके बारे में जरूर देख लें उसको इंस्टॉल करने से पहले। दोस्तों हमारी नॉर्मल थिंकिंग या फिर यूं कह लीजिए कि हमारा आदत बन गया है कि हम कभी भी वो जो परमिशन वाला पेज आता है उसको पढ़ते नहीं है, हम उसको सीधा अलाउ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो कि कोई आप गेम इंस्टॉल कर रहे हो, कोई भी गेमिंग वाला एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, और अगर वो आपसे ब्राउजिंग हिस्ट्री का एक्सेस मांगता है या फिर वो आपसे लोकेशन हिस्ट्री का एक्सेस मांगता है, तो आप वैसे एप्लीकेशन से बचिए। क्योंकि आपको अगर गेम खेलना है तो उस एप्लीकेशन को क्या मतलब है कि आप क्या ब्राउज कर रहे हैं, आप नेट पे क्या सर्च कर रहे हो, ये जानकारी उस एप्लीकेशन को, उस गेमिंग एप्लीकेशन को क्यों चाहिए। तो इन तरह के एप्लीकेशन जो कि बहुत सारे परमिशन आपसे ग्रांट करता हो, आप इससे ट्राई कीजिए कि आप बच सको, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके सिक्योरिटी के लिए खतरा हो आगे चल के। दोस्तों जो अगली न्यूज मैं शेयर कर रहा हूँ वो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। मतलब वैसे लोग जो कि रेगुलरली फ्लाइट या फिर हवाई यात्रा करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज है, क्योंकि अब आप भारत में फ्लाइट पे होते हुए, मतलब आप हवा में होते हुए भी कॉल कर सकते हो और आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो, जो कि अभी तक आप नहीं कर सकते थे। अक्टूबर के महीने से भारत में IFC मतलब इन फ्लाइट कम्युनिकेशन की सर्विसेज स्टार्ट होने वाली है, और सब कुछ अच्छा है, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है अभी इसके साथ वो है इसकी प्राइसिंग की। मतलब स्टार्ट में ये बहुत ही महंगा होने वाला है। IFC की आधे घंटे या फिर एक घंटे की सर्विसेज के लिए आपको 500 से 1000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं एक अनोखे फोन की जिसमें आपको 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं आपको टोटल 5 कैमरे देखने को मिलते हैं। मतलब इस फोन में आपको 5 लेंस वाला कैमरा देखने को मिलेगा।
दोस्तों इस फोन का नाम है नोकिया 9। वैसे तो अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है इस फोन के बारे में, लेकिन नोकिया 9 की कुछ पिक्स ऑनलाइन लीक हुई है और उसमें इसके फ्रंट डिजाइन और इसके बैक डिजाइन के बारे में पता चलता है। दोस्तों फ्रंट में जो अभी आपको नॉर्मल लॉन्च डिस्प्ले और बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलती है, वही आपको नोकिया 9 में भी मिलेगा। ट्रूली बेजललेस तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही पतला बेजल देखने को मिलेगा। साथ में आपको एक नॉच सपोर्ट देखने को मिलेगा। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो है इसके बैक डिजाइन के बारे में, क्योंकि इसके बैक में आपको पेंटा लेंस कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, मतलब कि दुनिया का पहला फोन जिसमें आपको 5 लेंस वाला कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी तक हमने ड्यूअल कैमरा, ट्रिपल कैमरा जो कि Huawei P20 Pro में आपको देखने को मिला था, उसके बाद ये 5 लेंस वाला कैमरा अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। आज से कुछ साल पहले तक मेगापिक्सल वॉर हुआ करती थी कंपनीज के बीच में, मतलब हर ब्रांड अपने अपने कैमरेज में, स्मार्टफोन के कैमरेज में ज्यादा मेगापिक्सल देना चाहते थे, लेकिन ये अब शिफ्ट हो गया नंबर ऑफ कैमराज पे। मतलब अब मेगापिक्सल वॉर बंद हो गया है, अब ड्यूअल कैमरा सेटअप, ट्रिपल कैमरा सेटअप, अब 5 लेंस वाला कैमरा, और देखते हैं ये कितना सफल हो पाता है। आप क्या सोचते हो इस तरह के नंबर ऑफ कैमराज वॉर के बारे में, मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट में। दोस्तों बात करते हैं इंडिया के पहले पबजी चैंपियनशिप की। दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि पबजी गेम अभी प्रेजेंट टाइम में ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड में यूथ के बीच सबसे पॉपुलर गेम है। और इसी को देखते हुए टेंसेंट जो कि पबजी मोबाइल का पब्लिशर भी है, उन्होंने इंडिया का पहला पबजी मोबाइल चैंपियनशिप अनाउंस किया और इसका नाम रखा गया है पबजी मोबाइल कैंपस चैंपियनशिप 2018। और इस चैंपियनशिप को जो क्वालिफाइंग राउंड स्टार्ट होंगी वो होंगी 26 सितंबर से और इस चैंपियनशिप का ग्रैंड फिनाले होगा 20 अक्टूबर को। भारत के 30 शहर के अलग अलग हजार ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके बच्चे इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे और इस चैंपियनशिप की जो प्राइज मनी रखी गई है वो है 50 लाख रुपए। तो अगर आप भी पबजी मोबाइल में इंटरेस्टेड हो, आप भी खेलते हो, तो आप इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्या पता आप अगर विनर हो जाओ तो आपको पबजी खेलने के लिए 50 लाख रुपए मिल जाए, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, तो आप एटलीस्ट एक ट्राई तो दे ही सकते हो। दोस्तों बात करते हैं जियो के 10 GB फ्री डेटा से रिलेटेड। दोस्तों जियो अपना सेकेंड एनिवर्सरी अपने यूजर्स के साथ बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट कर रहा है। जियो अपने हर यूजर को 10 GB फ्री डेटा प्रोवाइड कर रहा है। जियो ने 4G डेटाज या फिर एक तरीके से यूं कह लीजिए कि पूरे तरीके से इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को इन 2 सालों में पूरी तरीके से बदल के रख दिया है जियो ने। और हमेशा की तरह इस बार भी जियो अपने हर यूजर को फ्री डेटा प्रोवाइड कर रहा है। आपका जो भी एग्जिस्टिंग प्लान है अभी तक उसके ऊपर आपको हर दिन 2 GB फ्री डेटा दिया जाएगा और इस ऑफर की स्टार्टिंग हुई है 7 सितंबर से और इसकी वैलिडिटी है 11 सितंबर तक। अगर आप में से कोई भी यूज कर रहे हो इसको या फिर आप जानते हो इस ऑफर के बारे में तो बहुत ही अच्छी बात है। जो भी यूजर्स या फिर जो भी व्यूअर्स इसको नहीं जानते हो तो आप अपने माई जियो ऐप में माई प्लान्स के अंदर इस ऑफर के बारे में जान सकते हो और इसका फायदा भी उठा सकते हो। दोस्तों आज के लिए टेक न्यूज में इतना ही। मुझे उम्मीद है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के लेटेस्ट अपडेट्स जो भी मैंने आपको बताए वो आपको समझ आए होंगे। ये सारे आपको जानने भी चाहिए क्योंकि हमारे आसपास टेक वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये हम सभी को जानना चाहिए। दोस्तों तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरे वीडियो रिलेटेड, मेरे चैनल रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, डाउट हो, कुछ भी हो तो प्लीज नीचे कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ।